नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये है आपका अपना चैनल कांसेन म्यूजिकल बाबा और मैं हूं आपके साथ आपका मित्र और आपका दोस्त आरके। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन से हम लोग स्टार मेकर पर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो माइक दिखा देता हूँ जिससे आज हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। वो माइक है ये वाला, ये है डायनामिक माइक्रोफोन और ये कंपनी का है एमएक्स का। ये एमएक्स का MX-DM605 डायनामिक माइक्रोफोन है। आज हम इससे स्टार मेकर पर सॉन्ग रिकॉर्डिंग करेंगे। इससे सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ कि जिसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इस XLR 2 3.5 mm जैक के केबल की। इसमें एक तरफ XLR केबल होता है जो माइक में लगता है और दूसरी तरफ होता है 3.5 mm का जैक। अब इन दोनों चीज़ों के साथ साथ हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं कनेक्टर, जो होता है कुछ इस तरीके का। ये भी 3.5 mm का होता है, ये हमारे मोबाइल में लगता है और इसमें दो आउटपुट होते हैं। एक में हम लोग माइक लगाते हैं इस वाले में और एक में हम लोग लगाते हैं अपना ईयरफोन जिसके थ्रू हम लोग इसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ईयरफोन की। तो इन चार चीज़ों से हम लोग स्टार मेकर पर एक सॉन्ग रिकॉर्ड करेंगे और उस सॉन्ग की कैसी रिकॉर्डिंग आ रही है वो भी आपको सुनाता हूँ, वो भी लाइव रिकॉर्ड करने के बाद। तो चलिए चलते हैं जल्दी से स्टार मेकर पर। और हाँ, एक बात और आपको बता देता हूँ, इन सारे सामान जो भी प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ उसके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिससे आप इनके रेट्स और इनकी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए जल्दी से चलते हैं स्टार मेकर पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं स्टार मेकर पर और अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही है उसी डायनामिक माइक्रोफोन से जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये आवाज़ उसी डायनामिक माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं आपको एक गाना रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करने के बाद कैसी आवाज़ आती है वो भी आपको सुनाऊंगा। इसके लिए मैंने कुमार सानू दा का एक सॉन्ग पहले से सेलेक्ट करके रखा हुआ है, बहुत फेमस सॉन्ग है, सांसों की ज़रूरत है जैसे। हम उस सॉन्ग को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, उसका शॉर्ट वर्जन। तो अभी मैं आपको वो गाना गा के सुनाता हूँ, फिर उस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट करने के बाद कैसा साउंड आता है वो भी आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाना। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो जी, ये हमारा सॉन्ग रिकॉर्ड हो गया है। तो दोस्तों, ये हमारा सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका है और अब मैं इसमें टेस्ट लिख के इसको पोस्ट करने वाला हूँ। और अब मैंने इसे पोस्ट कर दिया है, अभी पोस्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। और अब ये सॉन्ग पोस्ट हो चुका है और अपलोड हो चुका है। अब ये सॉन्ग हमारा यहाँ पर आ गया है मोमेंट्स के अंदर। अब मैं इस सॉन्ग को जहाँ टेस्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके अब आपको सुनवा भी देता हूँ। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरी रिकॉर्डिंग हुई है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि डायनामिक माइक से रिकॉर्डिंग करने से रिकॉर्डिंग कैसी आएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, इससे आपके दोस्त आरके की बहुत मदद होती है और इस चैनल की बहुत मदद होती है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।